नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर अच्छी खुशखबरी है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि नेट, ये एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करा रही है और आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज किए जा चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 के जो आप एग्जामिनेशन 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपको करना क्या है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाना, वहां पे मैं आपको क्या करूंगी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। नीचे आ जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और एडमिट कार्ड वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिए, इस पे आपको क्लिक करना है ना, एनएटी एडमिट कार्ड, नेशनल एप्टीट्यूड 2021 एडमिट कार्ड पे क्लिक करना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी एडमिट कार्ड की। अब आपके पास में दो ऑप्शन है लॉग इन करने के लिए, एडमिट कार्ड आ चुका है। यस माई डियर फ्रेंड्स, अब आप दो तरीके से लॉग इन कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर से एंड पासवर्ड से। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था और जो पासवर्ड मिला था, जो आपने लिख के रखा होगा, आप उसको डाल करके लॉग इन कर सकते हो। दूसरा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ही कैसे भी करके लॉग इन कर सकते हो, दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पासवर्ड आपको पता है, पासवर्ड वाले पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है पहले वाला लिंक पर। जैसे ही पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालनी है। सिक्योरिटी पिन ये जो लिखा हुआ है ये आपको डालना है। फिर नीचे आपको साइन इन करना है, माय डियर फ्रेंड्स, नीचे आपको साइन इन करना है और आपका एप्लीकेशन, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने आपका पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हो लॉग इन। देखिए, डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हो, मैं वापस आपको करके दिखा दे रही हूँ। आप सभी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पे भी क्लिक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ विंडो आपकी इस तरीके से ओपन हो जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, सारी चीजें डाल करके साइन इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि आप सभी के मॉक टेस्ट कल शेड्यूल किए गए हैं। आधे घंटे का आपका मॉक टेस्ट रहेगा और 10 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी आप दे सकते हो अपना कल का मॉक टेस्ट। और ये लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के यहीं पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप अपना जो है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहेगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो में, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया था। वो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे जो सवाल है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित, उसके जवाब दिए हैं, उसको कंप्लीट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक हो जाएगी कब एक्टिव, कल एक्टिव हो जाएगी, आधे घंटे पहले एक्टिव हो जाएगी। और वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना और मॉक टेस्ट दे देना, बहुत जरूरी है। जिन्होंने आज का वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, उसको जरूर से देख लेना। और उसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप लोग अभी जितना जल्द हो सके नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट नेट को कॉल करके अपने प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे तो आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब मैं दे चुकी हूं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी यहाँ पे कि क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम का यहाँ पे अलग से इन्होंने पूरा फॉर्म दिया हुआ है, विंडो दी हुई है। अगर आपको कोई क्वेरी है ना, आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मतलब क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको फॉर्म खोलने में, आपकी फोटो नहीं अगर अपलोड हुई है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, कुछ संशोधन करना है, कुछ भी अगर चीज है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी डालिए, साइन इन करिए और यहाँ पे अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए। पोस्ट करेंगे तो उनका रिप्लाई आएगा। 23 और 24 का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके पहले आप अपनी जितनी भी क्वेरी है उसका रिड्रेसल, उसका समाधान आप कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सबसे शेयर करिए, सबको पता चले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कल मॉक टेस्ट दीजिए और कैसा आपका मॉक टेस्ट गया मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी ये भी मुझे बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।